हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं फिर से नई जॉब लेकर के। आज की जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाता हूं, डायरेक्ट कंपनी में अपना सीवी शेयर करना सिखाता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि आप किसी भी गलत कंसल्टेंट के चक्कर में ना फंसें, बेमतलब में अपने पैसे खराब मत करें। इतना इतना पैसा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार अपना खराब करके आते हैं, वो मत करें। बहुत मुश्किल से माँ बाप पैसा कमाते हैं, तो उसको प्लीज़ खराब मत करें। और जो भी मैं कंपनीज के बारे में रिसर्च करता हूँ, उसके बाद बात आपको बताता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। अपना CV बना करके रखिए, अपना कवर लेटर अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखिए, ताकि अच्छा सा लगे, प्रोफेशनली लगे, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताता हूँ, तरीके बताता हूँ अप्लाई करने के, वैसे वैसे अप्लाई ज़रूर करते जाया कीजिए। इन केस कोई भी आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए अच्छे से गाइड कर सकूँ किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग आपको भटकाते हैं। देखो, भटकना नहीं है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने तो बड़ी सारी कंपनीज में अप्लाई किया पर मेरी नौकरी नहीं लगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप किसी की बातों में मत आया कीजिए, आपका जो मन करे वो कीजिए, पर प्लीज़ किसी की बातों में आकर के काम करना बंद नहीं करना है। किसी की बातों में आकर के अपना CV कंपनीज में भेजना बंद नहीं करना है। आप अपनी डिटेल्स अपना CV कंपनीज में भेजेंगे, कभी तो आपको कॉल आएगी, कभी तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। मैं कहता हूँ, एक कंपनी में भेजते हो नहीं कॉल आई, दूसरी में भेजते हो नहीं कॉल आई, 10 में भेजते हो तब भी कॉल नहीं आई, तो भेजते चले जाओ ना, रोज़ 10 में भेजते चले जाओ, कभी तो अच्छी कॉल आएगी। और जिस दिन आपकी अच्छी कॉल आएगी, आपको मेल आएगी और इंटरव्यू कंडक्ट होगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या ज़िंदगी आपकी नहीं बनेगी? तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, किसी की बातों में नहीं आना है। और इस वीडियो को भी आगे अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, कलीग्स तक शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार दिलाने में हम अपना एक अहम रोल अदा कर पाएँ, उसको नौकरी दिला पाएँ, उसको उसकी परेशानी दूर कर पाएँ। हम मेरा साथ दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें कि इस दौरान, आज की सिचुएशन ऐसी है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और सभी की हेल्प करना सीखिए, सभी को रोज़गार दिलाना सीखिए। तो मेरा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने सारे कलीग्स का साथ दीजिए, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, सगे संबंधियों का, सभी का साथ दीजिए, ताकि सभी को कहीं ना कहीं अच्छा एक रोज़गार मिल जाए। तो आज की जो भी वैकेंसी है, मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूं, बताता हूं कि किस तरह से इस कंपनी के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। चलिए मेरे स्क्रीन पर। अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा मारुति में जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। सर्च बार में जाकर लिखोगे मारुति करियर्स, आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुल के आ जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लिंक्स, पर आप इधर उधर जाके क्लिक नहीं करेंगे, अपने पैसे खराब नहीं करेंगे, अपना समय खराब नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। बेटर यही है, जो लिंक मैं आपको बताता हूं उसी पर जाके आप लोग क्लिक कीजिएगा। मैंने मारुति करियर्स लिखा, ऊपर ऊपर ये लिंक आ रहा है, करियर्स लाइफ एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इस पर जाके आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये करियर्स का पेज मारुति का खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो सब लिंक्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे मारुति का नाम सभी को पता ही है। यहाँ पर हमारे पास एक ओपनिंग्स आ रही हैं कि जैसे आप फ्रेशर्स के लिए है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग के लिए है, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, या वर्कमैन हायरिंग जिन्होंने ITI कर रखी है उनके लिए है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, मान लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फ्रेशर हूँ, एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या है, आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई नाउ कीजिए।
अप्लाई नाउ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वैकेंसी सारी खुल के आ जाएंगी। चाहे तो आप यहाँ पे जाके इसको फिल्टर भी कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, लोकेशन वाइज, जॉब टाइप वाइज, ठीक है। अब इसमें देखो जी, आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं, इज इट, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक वैकेंसी मेरे को सूटेबल है, ये वैकेंसी मेरे को सूटेबल है सेल्स फोर्स डेवलपर की, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये पेज खुल के आ गया। अब इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशंस हैं, जो जो चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। अगर आपको लगे कि आप इसके लिए सूटेबल हो तो क्या करोगे, आप ये सारी डिटेल्स फिल करोगे, आपका नेम, आपका मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस इन ईयर्स में बताना है, यहाँ पे इन मंथ्स लिखना है, उसके बाद करंट सिटी या फ़ोन नंबर, उसके बाद अपना रिज्यूम जो है यहाँ से उठा के आप डाल लीजिए, उसके बाद फादर्स नेम, देन करंट एड्रेस, फिर पैन नंबर, फिर यूएएन नंबर, ठीक है, आपका टेंथ का जो भी डिटेल्स हैं सारी यहाँ पर फिल कर दीजिए, आपका बोर्ड, आपका एड्रेस, स्कूल कॉलेज जो भी है, एरिया ऑफ स्टडी, डेट ऑफ स्टार्टिंग, कंप्लीशन डेट, परसेंटेज, उसके बाद प्लस टू की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए, उसके बाद कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। एड न्यू रिस्पॉन्स कर सकते हो, नया और नया खुल जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो, एड न्यू रिस्पॉन्स कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है, क्या सैलरी है, स्टार्टिंग डेट क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है, सब कुछ डाल सकते हो। अगर करंटली वर्क कर रहे हो यहाँ पे तो आई करंटली वर्क हियर पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट गैप्स आ गया, नॉट एप्लीकेबल फॉर मी, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो अगर मतलब गैप नहीं है, और ये सारा कुछ आप प्रॉपर फिल करते चले जाइए। इनकेस किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये सारा कुछ फिल करने के बाद, यहाँ पर एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स मारुति में पहुँच जाएंगी। जब भी कंपनी को लगेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, आप वैसे वैसे अप्लाई करते चले जाइए। इन केस किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आता है कि इस चीज में क्या फिल करना था, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की, और प्लीज अप्लाई कर दीजिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, ये सोच करके अप्लाई कीजिए कि इस कंपनी में आपकी नौकरी लगने वाली है। देखो कैसे नहीं लगती, सोच के अच्छा कुछ करोगे तो जरूर अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहो, ऑल द बेस्ट, और दूसरों को भी मुस्कुराहट देते रहो।